अंतिम द फाइनल ट्रुथ इस फिल्म का हमें इंतजार 2020 से है। कायदे से ये फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, जस्ट बिकॉज ऑफ द एंटायर कोरोना थिंग, ये फिल्म रुक गई। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि भले ही देर से आ रही है लेकिन दुरुस्त आ रही है। आइए इस वीडियो में बताता हूं कि आखिरकार ट्रेलर कैसा है, क्या आप इस ट्रेलर को देख सकते हैं या सिंपली स्किप कर सकते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट या दोस्त राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो यारो। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं RAHULBHOJ राहुल भोज के नाम से, तो वहां पर मुझे फॉलो जरूर करो। सलमान साहब ने अपने इंटरव्यू में एक बात कही थी कि अंतिम द फाइनल ट्रुथ एक ऐसी एक्शन फिल्म होने वाली है जिसे देखकर आपके जो दांतों तले उंगलियां दबाना वाली जो कहावत है वो सच हो सकती है। और दोस्तों कुछ ऐसे ही है। आयुष का ये जो गुंडागर्दी वाला स्टाइल है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जच रहा है, उस पर सूट कर रहा है। और उसको ठीक करने के लिए सलमान साहब जो पंजाबी जो सरदार अफसर बने हैं दोस्तों, वो बेहतरीन है। ओवर एंड ऑल फिल्म को एक मॉडर्नाइज तरीके से शूट किया गया है, चाहे वो एक्शन सीन्स हो, चाहे वो चेजिंग सीन्स हो, या फिर डांस नंबर हो। अच्छा है कि यहाँ पे ज्यादा डांस नंबर नहीं दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये बात तो हम देखेंगे कि ट्रेलर में एक दो हमें रोमांटिक एंगल जो कि आयुष और उनकी हीरोइन के बीच में है, और साथ ही साथ एक लावणी परफॉर्म करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी देखने से ऐसे लग रही है दोस्तों कि ये एक पूरा महाराष्ट्र मुंबई के सर्किट पर ही दौड़ेगी, और प्लस ये एक चूहे बिल्ले की कहानी होगी। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान आयुष ने यही बात बोली थी कि फिल्म की कहानी यही है, टॉम एंड जेरी की कहानी है, और इसमें जो है आयुष का कैरेक्टर यानी कि राहुलिया जो है वो राहुल से राहुलिया बना है बाय द वे, उसका कैरेक्टर और सलमान साहब का कैरेक्टर एक दूसरे को इसी तरीके से चेस करता रहता है। ओवर एंड ऑल ये एक एक्शन फिल्म है, ये एक ऐसी कहानी है जिसे महेश मांजरेकर साहब लेकर आ रहे हैं, और ये जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर की अगर बात करें तो एक्शन से लेकर स्टोरी से लेकर डायलॉग बाजी से लेकर, जो कि सलमान खान की फिल्मों का ट्रेंड होता है दोस्तों, एक ट्रेडमार्क होता है, उसमें ये फिल्म अव्वल बैठती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ट्रेलर थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगा, क्योंकि एक कनेक्शन जो होना चाहिए था वो थोड़ा सा नहीं दिख पा रहा था। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। ये तो जब फिल्म अभी नवंबर लास्ट में रिलीज हो रही है दोस्तों, तभी मजा आएगा देखने में कि क्या होगा। और थिएटर में सलमान खान साहब के फैंस को भले यहां पर ईद में ईद ही नहीं मिली, लेकिन अगर बात करें तो दिवाली पे उनको अच्छा खासा गिफ्ट मिलेगा सलमान सर की तरफ से। हाउ मच एक्साइटेड यू गाइस आर, कमेंट सेक्शन में जाएं और इस बारे में मुझे जरूर बताएं। बने रहे चैनल के साथ, देखते रहें आपका फेवरेट चैनल जिसका नाम है फीफा फूज। मुझे इजाजत दो यारो, मैं चलता हूं अंतिम द फाइनल ट्रुथ।